सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस वक्त हूँ मन्नार में, यानी श्रीलंका के एकदम ऊपर वाले साइड में हूँ। मन्नार एक्चुअली कह सकते हैं, ये बहुत करीब है राम सेतु के। राम सेतु जो है वो मन्नार से ही शुरू होती है और ख़त्म होती है इंडिया से, या कह सकते हैं इंडिया से शुरू होती है, ख़त्म होती है मन्नार में। सो इस वक्त मैं हूँ मन्नार रेलवे स्टेशन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन एक्चुअली बहुत खाली है, बहुत ज़्यादा खाली है। और आज मैं एक ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ फ्रॉम मन्नार टू कोलंबो वाया अनुराधापुरा, और मेरी ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन का कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है। ट्रेन तो यार पहली नज़र में मुझे लग रही है वो मूवी मैंने नहीं देखी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, गदर, कुछ वैसा ही है भाई, कुछ वैसा ही है। जैसा कि आपने देखा वहाँ पे लिखा हुआ था क्लर्गी, क्लर्गी या क्लर्जी जो भी हो, वो सीट एक्चुअली होती है मॉन्क के लिए, जो मतलब जो रिलीजियस पर्पज़ के, जो जैसे होते हैं ना सन्यासी होते हैं, वैसे जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं वो सीट उनके लिए रिजर्व रहती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि वो एक्चुअली उसका पर्पज़ क्या है उस क्लर्जी के लिखने का। और तो फिलहाल मैं आ गया हूँ इसके बाद वाला स्टेशन, इसका नाम है थिरुकेतेश्वरम। दिख रहा है मैं वही बता रहा हूँ।
तो मैं बताता हूँ श्रीलंका के ट्रेन को आप ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं। तो गाइज, श्रीलंका के ट्रेन को आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते हैं, एक्चुअली नहीं कर सकते हैं, एडवांस बुकिंग नहीं होती है। फेसबुक पे एक दो मेरे फ्रेंड्स जो श्रीलंका जाना चाहते थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो एक दो महीना बाद जाना चाहते हैं, तो वो बुक कराना चाहते थे एक्चुअली ट्रेन, वो रिजर्व करवाना चाहते थे जैसे इंडिया में होता है। मेरा उत्तर उनके लिए है, तो जो श्रीलंका में जो ट्रेन है ना, वो आप एडवांस इतना एडवांस आप बुकिंग नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको आज ट्रैवल करना है ना, तो दो घंटे पहले आप आज स्टेशन पे आ जाइए, आपको टिकट हाथों हाथ मिल जाएगा। टिकट का तीन क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। ये भी यार एक स्टेशन है, स्टेशन है या गार्डन है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना छोटा स्टेशन यार मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखी है, उम्मीद से ज़्यादा छोटा है। मैं एक्चुअली जज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जज नहीं कर रहा हूँ। स्टेशन छोटी हो सकती, बड़ी हो सकती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि देख सकते हैं ये जो खिड़की है, ये ग्लास की खिड़की है, बस एक ही लेयर है एक्चुअली, और ये खिड़की खुली हुई रह गई थी। और मैं अपना ये जो मेरा छोटा सा जो बैग है, छोटा सा जो झोला है, मैं यहाँ पे छोड़कर मैं उस तरफ बैठा हुआ था और मेरी आँख लग गई थी, और मैं अचानक से उठ के यहाँ पे आ जाता हूँ, अपने बैग को ले लेता हूँ, क्योंकि खिड़की खुली हुई थी। और ट्रैवलिंग में क्या है ना कि आप अपना ज़िम्मेदारी खुद उठाओ। वैसे यहाँ का जो रिकॉर्ड है इंडिया की तरह तो नहीं है, यहाँ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इंडिया में यार तो बहुत ट्रेन्स में बहुत चोरियाँ होती है, इवन मेरे साथ भी हुई है, इवन मैंने रिकॉर्ड भी किया है, एक मैंने व्लॉग भी बनाई थी, उसमें भी मैंने मतलब मैं ट्रेवल कर रहा था और मेरे साथ ही चोरी हुआ। तो इंडिया का रिकॉर्ड ना बहुत ख़राब है चोरी के मामले में। तो स्टेशन मेरी आ चुकी है, स्टेशन का नाम है अनुराधापुरा, यस अनुराधापुरा। और मैं अनुराधापुरा में उतरूंगा, उतर के यहाँ से मुझे एक नई ट्रेन लेनी है, नई ट्रेन लेनी है कोलंबो के लिए। सीट एक्चुअली हमें मिली नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास का ट्राई कर रहा था, फर्स्ट क्लास हमें सीट मिली नहीं, सेकंड क्लास भी नहीं मिली, और फाइनली मिलती है थर्ड क्लास। और थर्ड क्लास के लिए ये देख सकते हैं कंपटीशन देख रही, इतने लोग हैं एक छोटा सा डब्बा में, जैसे ही ट्रेन आएगी अटैक करेंगे, मतलब सीट्स लिमिटेड है, जो पैसेंजर है वो ज़्यादा है। इमेजिन कर सकते हैं फर्स्ट क्लास भी फुल हो गया, सेकंड क्लास भी फुल हो गया, और थर्ड क्लास का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। मारपीट करूँगा ट्रेन के सीट के लिए, उसके बाद फिर मैं रिव्यू दूँगा। थर्ड क्लास ट्रेन ये वाली जो ट्रेन आप देख रहे हैं, इसकी कंडीशन पिछले वाले ट्रेन से थोड़ी सी अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट न्यू है कह सकते हैं, और कंडीशन थोड़ा सा सही है क्योंकि ये थर्ड क्लास है।
फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में ना मुझे टिकट नहीं मिली। सो भाई जो अपना अपना जो ब्लॉग आने वाला था फर्स्ट क्लास ट्रेन जर्नी का, वो ब्लॉग अब नहीं आएगा, वो थर्ड क्लास आ जाएगा, थर्ड क्लास ही आएगा। भाई मैं आधे स्टेशन पर मैं उतर गया, मेरे से अब नहीं होगा एक्चुअली, इतना ज़्यादा भीड़ था, मेरा घुटना भी दर्द हो गया, तो बीच रास्ते में उतर गया, ट्रेन मेरे सामने है। और सॉरी भाई लोग, मैं आप लोगों को पूरा वीडियो मैं बना नहीं पाया जैसा मैं चाहता था, जिस टाइप का मैं वीडियोस बनाता था वैसा वीडियोस मैं बना नहीं पाया, सो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये रहा कुरू ने गाला का ओवरब्रिज, और मैं अब जाना चाहता हूँ बाहर कुरुनागला स्टेशन से, ऑटो यहाँ से हम सीधा ऑटो पकड़े हैं, ऑटो पकड़ के सीधा जाएंगे केएफसी। केएफसी में पहले होगी पेट पूजा, पेट पूजा के बाद उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना। तो भाई अब हम पहुँच गए हैं केएफसी।